गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 15 किया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16, दैट इज सीजन। सीजन्स क्या होता है बच्चों? सीजन मतलब होता है मौसम, ठीक है? मतलब हमारे आसपास कैसा मौसम है उसे कहते हैं हम सीजन, ठीक है बच्चों? आगे देखते हैं, रीडिंग करते हैं इस चैप्टर के साथ में। सम डेज आर हॉट, कुछ दिन जो होते हैं हमारे गर्म होते हैं। सम डेज आर कोल्ड, और कुछ दिन कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। जैसे अब क्या चल रहा है? ठंडा मौसम चल रहा है, ठंडे दिन चल रहे हैं। ऐसे ही सम डेज आर विंडी, विंडी मतलब हवादार, जिसमें बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो जो कुछ दिन होते हैं थोड़े विंडी होते हैं। ऑन सम डेज इट रेन्स, और कुछ टाइम में क्या होता है? कुछ दिन कैसे होते हैं? बारिश वाले होते हैं, रेन वाले होते हैं। रेन आप सभी को पता है ना बच्चों, बारिश को कहते हैं हम, ठीक है बच्चों? तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि कुछ दिन कैसे होते हैं? गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं जो अब चल रहा है सीजन। कुछ विंडी होते हैं मतलब बहुत हवादार होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हवा चलती है, और कुछ बारिश वाले दिन होते हैं। आगे पढ़िए, द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर, और जो हमारे आसपास, एयर मतलब हवा, एयर मतलब क्या होता है बच्चों? हवा। जो हमारे पास एयर होती है हमारे आसपास, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो हवा होती है उसकी कंडीशन, कंडीशन मतलब स्थिति, क्या होता है? कंडीशन मतलब स्थिति। तो हमारे आसपास जो कंडीशन होती है एयर की, उससे हमारा, उसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेदर मतलब हमारे आसपास कैसी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है। आप गर्मियों में कहते हैं ना लू चल रही है, तो उससे क्या होता है? गर्मी होती है। और अगर ठंडी हवा चल रही होती है तो उससे क्या होता है? ठंड बढ़ जाती है। तो उसकी जो हवा की जो कंडीशन होती है हमारे एटमोसफेयर में, उसी को हम कहते हैं वेदर, ठीक है बच्चों? आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जैसे कि आप इन पिक्चर्स को देखिए, पिक्चर्स में आपको एक हॉट डे दे रखा है, मतलब जिसमें गर्मियों के दिन की पिक्चर दे रखी है आपको, जिसके अंदर जो बच्चे हैं, दो बच्चे खड़े हैं, बहुत तेज सूरज निकल रहा है, और दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। पानी इसलिए पी रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अपने आपको हाइड्रेट करने के लिए इसलिए वो पानी पी रहे हैं, अपने आपको गर्मी से बचाने के लिए। ऐसे ही अब नेक्स्ट पिक्चर दे रखी है, अ कोल्ड डे, मतलब सर्दियों के दिन की पिक्चर दे रखी है। तो उसमें आप, जैसे कि आप, क्या चल रहा है? कोल्ड डे चल रहा है, कोल्ड वेदर है बहुत ज़्यादा, तो आप सभी घर में चाय पी रहे होंगे, कॉफ़ी पी रहे होंगे अपने आपको ठंड से बचाने के लिए, और ऐसी कैप लगा के बैठे होंगे, है ना? ऐसे ही होता है, और आपको रहना भी ऐसे ही, जिससे आप ठंड से बचे रहो। अब ऐसे एक विंडी डे दे रखा है। विंडी डे में क्या है? ये सारे पेपर जो हैं ये उड़ रहे हैं, जो ट्रीज है ये उड़ रहा है, जो लड़की का ये इसने स्टॉल उड़ रखा है ये उड़ रहा है। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि जो डेज हैं वो कैसे हैं? विंडी हैं, बहुत ज़्यादा हवादार हैं। ऐसी अ रेनी डे, रेनी डे में आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है ना, और सबके सब छाता लेके घर से निकलते हैं, जिससे कि अपने आपको बारिश से वो बचाव कर सकें। आइए अब आगे देखते हैं बच्चों। द वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो वेदर होता है हमारे आसपास का, जो एटमोसफेयर होता है वो टाइम टू टाइम चेंज करता है। चेंज मतलब उसमें बदलाव आता रहता है, ठीक है बच्चों? इट इवन चेंजेस ड्यूरिंग द सेम डे मैनी टाइम्स, और ऐसा भी होता है कि एक ही समय पे वो काफ़ी बार चेंज हो जाता है, काफ़ी बार चेंज हो जाता है। कैसे होता है वो देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर बच्चों कि हो सकता है, जैसे मॉर्निंग है, मॉर्निंग मतलब सुबह का समय, सुबह के समय में क्या हो? सनी हो। सनी मतलब सूरज निकला हुआ हो, ठीक है? सुबह के टाइम में क्या हो? सूरज निकला हुआ हो। क्लाउडी इन द आफ्टरनून, क्लाउडी मतलब एकदम से बादल आ गए हो, पूरा जो आसमान होता है वो बादल से घिर गया हो उस आफ्टरनून में, उसे कहते हैं हम क्लाउडी। एंड रेनी इन द इवनिंग, और बरसात कब हो जाए? दोपहर, दोपहर में तो वहाँ पे क्लाउडी हो जाए, मतलब बहुत सारे बादल आ जाए, और इवनिंग के टाइम मतलब शाम के टाइम में एकदम से बारिश हो जाए। तो एक ही समय में, मतलब एक ही दिन में, सेम डे पे कितने सारे एटमोसफेयर, मतलब एकदम से एटमोसफेयर कितना चेंज हुआ। पहले सुबह सनी था मॉर्निंग में, मतलब सूरज निकली हुई थी, बहुत सूरज निकला हुआ था बहुत देर तक। उसके बाद आफ्टरनून में क्लाउडी हो गया, मतलब बादल आ गए पूरे उसमें, और इवनिंग में क्या हो गया? रेन हो गई, मतलब बारिश पड़ गई। तो एक ही डे पे, सेम डे पे तीन बार मौसम चेंज हुआ। तो इसी को कहते हैं कि टाइम, जो हमारा वेदर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। When the weather remains the same for a long time, जब weather, weather मतलब जो आपका atmosphere होता है आसपास का, जो आपके आसपास मौसम होता है वो एक बहुत लंबे समय तक सेम रहता है, सेम मतलब एक सा रहता है, we call it a season, और उसे फिर हम क्या कहते हैं? सीजन कहते हैं। जैसे कि आप अभी देखिए कितने दिनों से, कितने टाइम से ठंड का मौसम चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? सर्दियों का सीजन है। कहते हैं ना कि सर्दियों का सीजन आ रहा है, गर्मियों का सीजन है। अगर वो चीज़ बहुत टाइम तक रहती है, मतलब वो जो मौसम है वो बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक रहता है, तो वो क्या होता है? सीजन हो जाता है। अगर वो कुछ टाइम के लिए रहता है तो उसे हम वेदर कह सकते हैं, ठीक है बच्चों?
आइए नेक्स्ट पेज पर आइए अब आप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। वी हैव फोर मेन सीजन इन इंडिया। हमारे इंडिया में फोर मेन सीजन्स होते हैं, दैट इज समर मतलब गर्मियों का टाइम, विंटर, मॉनसून एंड स्प्रिंग। ठीक है, हमारे इंडिया में चार तरह के मौसम होते हैं, फर्स्ट इज समर, विंटर, मॉनसून एंड स्प्रिंग। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इतने आपको इसे बहुत अच्छे से रीड करना है घर पे। कुछ भी दिक्कत आए आप अपने मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, वैसे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको इसे अच्छे से समझना आएगा। जो पूरा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपको यहाँ तक, स्प्रिंग तक आपको अच्छे से लर्न करना है, समझना है, रीड करना है, जिससे कि आपको ये सभी जो मौसम है, वेदर, एटमॉस्फेयर कैसे कैसे होता है, ये सब आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।